हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं एग्जाम टीवी पे स्वागत करता हूँ। और आज हम देखेंगे क्वेश्चन की डायग्राम तो आपके सामने दिया हुआ है और आपको ज्ञात करना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये 5 एंगल है, इनका एड क्या होगा, ठीक है, सम ऑफ एंगल्स। तो इसको निकालने के लिए देखो, मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ, इसमें ई पी क्यू, सॉरी वाला ट्रायंगल है ई पी क्यू, ये ट्रायंगल ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इस ए को एक्स मान लिया और इसको वाई मान लिया और ये ई एंगल कौन है, ठीक है। तो देखो, ये ई एक्स और वाई, ई एक्स और वाई ये सभी क्या मिला के 180 होगा, क्योंकि ट्रायंगल के सब कोणों का सम 180 होता है, ठीक है। तो एंगल ये तो ठीक है, एंगल है ई मैंने कर दिया, अब एक्स एंगल है, ये एक्स एंगल है, तो ये एक्स एंगल बी और डी, ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, देखो ये ट्रायंगल, इसका एक्सटीरियर एंगल है ये बी और डी, इनके योग के बराबर एक्स होगा, तो बी और डी, ठीक है। अब एंगल वाई है, तो वाई है, तो ये ट्रायंगल ये है ए क्यू सी, इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो ए और सी है, इनका एड वाई के बराबर होगा, तो वाई की जगह मैंने ए प्लस सी कर दिया और 180 आ गया है। और मेरे को याद करना था ई प्लस बी प्लस डी प्लस ए प्लस एंगल सी, तो 180 हो गया। देखना यहाँ पे देख लो कि एंगल एक्स है ये बी प्लस डी के बराबर होगा, एंगल वाई है एंगल ए प्लस एंगल सी के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे ये तो पी पी डी बी का एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटर्नल बाई ए कौन है, और ये यहाँ पे क्यू ए सी ये बाई ए कौन है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड एग्जाम टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप इस टाइप की वीडियो प्राप्त करना चाहते हो।